बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हेलो फ्रेंड्स, उबैद बार्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, एक भाई की कमेंट्स है मेरे पास। तो भाई का नाम है आजी लॉफ, ठीक है, उनकी कमेंट्स पर यही नाम लिखा था, तो कमेंट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो भाई सवाल करते हैं कि हबीब भाई, कबूतर हैं हमारे यहाँ कुछ, मतलब ऐसे हैं जो यानी अंडे तो दिलवाते हैं कबूतरियों से, लेकिन उनके अंडों में बच्चे नहीं बनते, ठीक है, या कुछ कबूतरियाँ हमारी जो अंडे नहीं दे रही, तो उनके लिए आप कुछ ऐसी चीज़ बताएं जो हमें यानी फ़ायदा पहुँचाए और हमारे कबूतर यानी जो है जो फॉल्ट आया हुआ कबूतरों में तो वो सही हो जाए, ठीक है। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो एक कबूतर होता है यानी आपका यंग कबूतर है, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार 5-6 साल पुराना कबूतर है या 2 साल 3 साल, या एक कबूतर यानी बच्चे से तैयार हुआ, ठीक है, आपने उसे ब्रीडिंग में डाला तो उसमें ये शिकायत आ रही है, तो वो कबूतर जो है ना आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। और एक कबूतर है जो काफ़ी एज का हो चुका है यानी कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है कबूतर, ठीक है, तो वो कबूतर यानी उसके लिए थोड़ी सी ट्रीटमेंट करना वो उसके नसीब की बात होती है बंदे की कि वो कबूतर ब्रीड कर जाए या नहीं कर जाए, ठीक है। और कुछ कबूतर होते हैं हमारे यानी कि जो नुस्खे वगैरह लगाते हैं उनसे उनकी मर्दाना कुव्वत कम हो जाती है, जिसकी वजह से कबूतर यानी इस चीज़ का शिकार हो जाता है कि उसके जब जोड़ा लगाते हैं हम यानी के तो वो यानी के उसके अंडों में बच्चे नहीं बनते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी मेरे इस नुस्खे से, जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ ये काफ़ी यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आपको बताने लगा हूँ। इससे वो कबूतर भी यानी ब्रीडिंग करवा देता है मादा से जो यानी बिल्कुल बूढ़ा सा हो जाता है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमारे पास यानी कि जो चीज़ है यानी काफ़ी पुराने हमारे पास कबूतर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, तो कभी कभार कबूतरों में ये शिकायत आती रहती थी, बीच में आई भी थी हमारे पास कि एक अंडे में बच्चा बन रहा था और एक अंडे में बच्चा नहीं बन रहा था। तो फिर दोबारा यानी कि हमने इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बनी हुई पड़ी हुई चीज़, ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट हमें यानी बहुत अच्छा मिलता रहता है, ठीक है। तो बात यह है, मैं आपको ये भी बता दूँ साथ साथ कि कोई भी चीज़ आपके पास यानी कोई नुस्खा जैसे मैं शेयर करता हूँ, अगर उसमें कुछ चीज़ का इजाफा करोगे तो आपके इलम में भी इजाफा होगा, ठीक है। काफ़ी सारे यानी आजकल तो आपको पता है यानी हर भाई बताने के लिए बैठा हुआ है कि ये कर लो कि वो कर लो, अगर उसकी बात में आपको कुछ यानी लगता है कि पॉइंट्स अच्छे हैं जो आपकी समझ में आए तो वो भी चीज़ आप अपने जो मजूने बनी होती हैं यानी कि हम तो बनाते हैं ना देसी दवाई कबूतरों के लिए, तो उसमें आप शामिल करो, उसका रिज़ल्ट लो, इंशाल्लाह आपको मिलेगा फ़ायदा। तो ठीक इसी तरह मैंने आप लोगों से पहले भी यानी 2 वीडियोज़ मेरे ख्याल से शेयर करी हुई हैं, जो कबूतर यानी मादा से अंडे नहीं दिलवाता या उसके अंडों में बच्चे नहीं बनते, तो ये जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ ये भी बिल्कुल देसी है, ठीक है, ये काफ़ी हद तक आपके कबूतर को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा ना अपने चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, फिर आप यानी आपको पता लग जाएगा कि यार वीडियो आई हुई है, जब आपके पास टाइम हो उसको वॉच लेटर पर कर दो, छोड़ दो, फिर वो आप फिर दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। तो सवाल ये था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कबूतरियाँ यानी अंडे भी नहीं देती, ठीक है, उनको भी इनसे इस चीज़ यानी कबूतरियों को भी फ़ायदा पहुँचेगा इस दवा से हमारी, और जो कबूतर अंडों में बच्चे नहीं बनाते उसको भी फ़ायदा पहुँचेगा। तो आपने लेना है, देखो देसी जड़ी बूटियाँ लेनी है इसमें, और यानी मजून भी बता रहा हूँ वो भी बिल्कुल देसी है, एक आध गोली आपको बताऊँगा वो मेडिसिन यानी कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों है, ठीक है। तो जो गोली है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, अगर आप अफोर्ड कर सको तो ले लेना, वरना तो उसके बिना भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, देखो मजून आती है लबूबे कबीर के नाम से, ठीक है, मंसारी के पास मिलती है, जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती है ना वहाँ आप चले जाओ, आपको मिल जाएगी लबूबे कबीर के नाम से मजून, वो आप ले आओ, ठीक है। तो एक होता है लबूबे ख़ास भी होता है, लबूबे कबीर भी होता है, ठीक है, लबूबे कबीर की आपने ले लेनी है, ठीक है, मजून उस मजून के अंदर आपने शामिल करनी है, जो जो चीज़ें वो आपको बता रहा हूँ आप सुन लो। तो आपने शामिल करना है इसमें अजगर नगोरी, ठीक है, अजगर नगोरी पहले भी मैंने आप लोगों से बताया है कि बहुत ताकतवर चीज़ होती है, अजगर नगोरी आपने ले लेनी है एक मुकम्मल उसकी यानी एक उंगली जितनी आपने डंडी ले लेनी है, ठीक है, इतनी सी डंडी ले लेनी है एक उंगली जितनी यानी कि 3 इंच की उसकी डंडी ले लेनी है अजगर नगोरी की, अच्छी वाली भरपूर यानी भरी हुई वो डंडी और साफ़ सुथरी और एक नंबर अजगर नगोरी होनी चाहिए, ठीक है, वो आप लेकर उसको यानी कि आप खुद उसको घर पे यानी उसको रख पीस के ना उसका पाउडर बना लो,
क्योंकि अगर आप पंसारी से पिसवाओगे तो उनके जो मशीनें होती हैं जिनमें वो पीस पीस पर दे रहे होते हैं, तो अगर वो मशीन को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से साफ़ करके आपको पीस के देता है असगर नगोरी तो सही है, नहीं तो उसके पता नहीं पहले उससे पहले उसने क्या चीज़ उसमें पीसी हुई है, फिर आपको ये तो मिक्सअप हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता चीज़ में, पता है। ठीक है, तो आपने असगर नगोरी की 1-3 इंच की डंडी ले लेनी, उसको अच्छे से पीस लेना, उसका पाउडर बना लो। फिर आपको जो है इसमें आपने क्या करना है, ये जो अंडे खाने वाले होते हैं मुर्गियों के, इनके तकरीबन थोड़े से छिलके ले लो आप। ठीक है, छिलके रख के सुखा लो, ठीक है, क्योंकि इस अगर आप सूखे लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप सूखे अंडे के छिलके ले लो, ठीक है, उनको सुखा लो, सुखाने के बाद उसको भी बिल्कुल बारीक पीस लो। ठीक है, वो भी जब पाउडर हो जाए वो आपने यानी कि समझ लो कि 1 टीस्पून लेना है भर के, इतना पाउडर आपने अंडे के छिलके का लेना है। ठीक है, और असगर नगोरी 3 इंच की डंडी आपने पूरी पीस लेनी है। आपने इस ये पाउडर जब दोनों चीज़ों का तैयार हो जाए तो आपने करना ये है कि भुने हुए चने आते हैं, ठीक है, जो भुने हुए चने आते हैं उन पर जो छिलका होता है काला वो उतार देना है। इस तरह रगड़ोगे और फूंक मारोगे चना रह जाएगा, छिलका उड़ जाएगा सारा। ठीक है, तो उसको भी आपने भून के भुने हुए चनों का भी आपको पीस के पाउडर बना लेना है। तो ये तीनों चीज़ों का आपका पाउडर बन गया। ठीक है, फिर गोली अगर आप ले सकते हो तो सेंटम सिल्वर के नाम से गोली आती है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो विटामिन सारे पूरे करती है, वो महंगी है थोड़ा। ठीक है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में 3-3.5 हज़ार का तो खाली एक डब्बा आता है उसका, तो जो भाई अफोर्ड कर सकता है ले ले, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि पूरी नहीं शामिल करनी, उसमें से आपने एक गोली जो है समझ लो आपने पूरी मजून में 4 गोलियां डालनी है बस। ठीक है, क्योंकि उसमें से आपके फिर इतना ही काफ़ी हो जाएगी, 4 गोलियां डालो, क्योंकि ये अगर आप लेकर रख लोगे ये आपको दौरान परवाज जब आप खुराक बनाते हो कबूतर की तो उस वक्त भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, तो आपने 4 गोलियां सेंटम सिल्वर की लेके उसको भी पीस लेनी है, पीस के आपने इसी पाउडर में शामिल कर लेना है। फिर जब आपका सारा पाउडर तैयार हो जाए फिर आपने इसमें वो मजून लबूब कबीर जो बताइए वो इसमें पूरी शामिल कर लो, अच्छे तरीके से शामिल करके सारी चीज़ों को मिक्स कर लो। अच्छा, फिर इसकी आपने बनानी है गोलियाँ। अगर ये आपकी ज़्यादा यानी कि बन रही है थोड़ी ग्रीस टाइप, ठीक है, गोली नहीं बन रही, तो फिर आप इसमें मज़ीद जो है चने का पाउडर जो है, जो भुने हुए चने का पाउडर है वो मज़ीद शामिल करो, इतना करो कि गोलियाँ बनने के काबिल हो जाए। ठीक है, थोड़ी सी नरम होगी गोली, लेकिन थोड़ी देर पंखे के नीचे रखोगे, हवा में रखोगे, ठीक है, तो वो यानी कि थोड़ी टाइट हो जाएगी। बाकी आप उसको प्लेट को या किसी चीज़ में, जब वो टाइट हो जाए तो किसी डब्बे वगैरह में डाल के ना खुले से थोड़े से बर्तन में डाल के आप उसको फ्रिज में रख दो, ख़राब नहीं होती। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, यकीन करो इतनी कुछ ज़बरदस्त चीज़ है ये कि आपने इसको इस्तेमाल कराना है, आपके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे। सबसे पहले जो तरतीब है, जो मादियाँ देखो कच्चे अंडे देती हैं ना उनको भी ये दोगे वो भी सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सुबह और शाम एक एक गोली देनी है, इसमें से एक गोली सुबह देनी है, एक गोली शाम को देनी है, नर को भी देते रहो और मादा को भी देते रहो, एक हफ्ते तक दो, फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं है, कबूतर फिट पर फिट हो जाएगा खुद ब खुद, उसमें जान अच्छी खासी आ जाएगी। ठीक है, खुद ब खुद वो यानी देखो कमज़ोरी आ जाती है ना कबूतर में, फिर ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। जब आप इस चीज़ का इस्तेमाल कराओगे इंशाल्लाह आपके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे, मादियाँ भी सही अंडे देंगी और जो मादी अंडा भी देगी उसमें बच्चा भी बनेगा इंशाल्लाह, जिस नर को आप ये दवाई खिलाओगे। तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, सबसे पहले एक तरतीब ये कर लो आप कि जो कबूतर यानी कि आपके अंडे सही नहीं दिलवाते उनके नीचे किसी और जोड़े के अंडे रख के ना उसको तकरीबन हफ्ता 10 दिन आप सुबह शाम ये गोलियाँ दो और उसको यानी बिठा के रखो यानी कि अंडे पर, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद ये होगा जब अंडे से बच्चे निकलेंगे, बच्चे बड़े करने के बाद जब उनका टाइम आएगा दोबारा अंडे देने का तो कबूतर इंशाल्लाह अंडे अपने सही देगा। तो ये सी यानी तरतीब मैंने आसान सा रास्ता बता दिया आपको, ये तरतीब आप करो। अगर आपका कोई नया कबूतर लाए हो उसको यानी कि आप देना चाहते हो तो दो इंशाल्लाह, इससे आपके कबूतरों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो ठीक है, अपने भाई बीप को इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।